इंसाफ की गुहार लगाने के लिए इंसाफ के रखवालों के पास गई महिला के साथ उसी रखवाले ने छेड़छाड़ करके पुलिस डिपार्टमेंट और वर्दी को शर्मसार करने वाला काम किया। संगरूर की रहने वाली महिला ने बताया कि उसे उसके ससुराल पक्ष और पति की ओर से तंग परेशान करके नशे का आदि बनाने का काम किया जा रहा था, जिसके बाद उसने मामले की शिकायत एसएसपी को दी, जिसके बाद एसएसपी ऑफिस से उसका केस वुमेन सेल को मार्क कर दिया गया। लेकिन वुमेन सेल में तैनात एएसआई गुरमेल सिंह ने उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया और उसके बाद उस पीड़ित महिला को अलग कमरे में बुला लिया। पहले तो उसने ससुराल घर जाने के लिए दबाव बनाया और बाद में उसके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी, जिस पर पीड़ित महिला ने विरोध किया और कमरे से बाहर भाग गई। भाजपा माइनॉरिटी मार्च के नेशनल सेक्रेटरी और पंजाब प्रभारी हाजी खुर्शीद और भाजपा माइनॉरिटी मार्च J&K के सह प्रभारी और पूरे पंजाब प्रभारी जावेद असलम की ओर से पीड़ित महिला के पक्ष में खड़े होते हुए इंसाफ गुहार लगाई है। पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से जल्द मुस्लिम पीड़ित महिला को इंसाफ देने की मांग की। सर मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, नहीं सर रुकया नहीं है सर। उस तो बाद मैंने उसके बार खिलाफ एक रिपोर्ट दी, दरखास्त दी सर। सर वुमेन सेल में मार्क हो गई सर, उसे गुरमेल सिंह मार्क हो गई सर। गुरमेल सिंह थानेदार ने मैंने 14-15 बार बुलाया सर, उसे पर दूजी पार्टी कदे भी नहीं आई मेरे सर तरफ तो। सर उस तो बाद उन्होंने मैंने फिर 16-5 ओनली किया और यह भी कहते सारे परिवार भी आ रहे हैं सर। मैं अपने नाना दे मामा जी ने अपने पिता जी ने अपनी बहन और जीजा जी ने और मासी का लड़का सर ना लेके चली गई सर। मैं तो जाके जब पहुंची सर मेरे सोरे तरफ तो मेरा पति और मेरा सोरा और मेरे पति का दोस्त कमल सर और मेरा सोरा भी नाल सीगा सर और 4-5 जाने पछाने बंदे भी सीगे सर और मेरे गुरमेल सिंह को बैठे गल्ला करते सर। पहले सर मैं पहुंच गई सर, उसे गुरमेल सिंह ने मैंने अपने पति के नाल बिठा था सर और मैंने घर से हरकतें करनी शुरू कर दी सर। वही दूसरी ओर पीड़ित महिला के मामा ने बताया कि उसके पास पुलिस के कई अधिकारियों और मुलाजिमों की कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जिसमें वह उन्हें कॉल करके मामले को रफा दफा करने के मामला दबा रहे हैं। पीड़ित के मामा ने बताया कि लेकिन वो मामले को रफा दफा नहीं करना चाहते और एएसआई गुरमेल सिंह के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, जिसने उनकी भांजी के साथ गलत हरकत करते हुए छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। मैंने जी इन्हू संगरूर लिया, इधर लिया के जी 6 महीने का कोर्स मैडिकल नशा छड़ाया जी, वो रिपोर्टा मेरे को फिर वो कारण जी काला पी या लीवर च नुकसा बच्चा भी बीमार थी जी, फिर इन्हों का सरकारू हस्पताल इलाज कराया जी, हूँ जी उन्होंने फिर रैफर करता जी PGI च। पुलिस क्यों नहीं सुन रही जी बात? पुलिस जी सुन नहीं रही जी, गुरमेल सिंह जिहड़ा थानेदार है उन्हें धक्का किया है जी साढ़े सामने। देखो ये गल्ला हुई जी बयान लिखाते SPH साहब है हरिंदर सिंह बिल्ला, उन्होंने दरखास्त मार्क हुई जी, उन्होंने पहले ही बयान लिख के रखा हुआ थी जी, सानू कहते साइन करो, असं क्या भी अं कला बयान लिखावे, कला कला बंदा जो देखे है वो मने नहीं जी, सानू घूरन लग गए, उन्होंने उत्ते ही साइन करा ले जी। उ जो कोई दरखास्त देंगे तो उन्होंने नाल ला के उन्होंने जी वो मतलब मिली भुगत की, साड़ी मदद नहीं की जी। असं SSP साहब दोबारे दसता, IG साहब नू भी दसता, तो DGP साहब नू भी दरखास्त दी है जी। डेराबसी से मेजर अली, जीवे पंजाब TV।